या कोई हमारे शुरू को कर सकता है तो कैसे कर सकते है उसकी क्या क्या कैपेबिलिटी है वो कैसे कैसे कैपेबल है, तो है, तो है तो उसकी लाइबिलिटी बन गई हमें सू करने की शू से हमारा मतलब यहाँ पे क्या हुआ शू से हमारा मतलब यहाँ पे ये यह हुआ कि मतलब जो कोई लीगल एक्शन होना या फाइलिंग केस सूट कंप्लेन मतलब की जैसे मेरा कोई राइट इन्फ्लुंस हुआ है जो मेरा राइट इन्फ्लुएंस होगा मतलब जो मेरा लीगल राइट इन्फ्लुस होगा तो उसके लिए मैं दूसरी जो पार्टी होगी उसे शू करूंगा उसकी उस शू को हम क्या तो बोलेंगे तो कंप्लेंट बोलेंगे या मैं उसके ऊपर केस फाइल करूंगा या कोई लीगल एक्शन लूंगा इन ये तीन चीजों को करने के लिए या सूट फाइल करने के लिए इन हम बोलते हैं सू जिसे हम कोर्ट में जाके बोलते हैं कि केस हो गया है इन नॉर्मल लैंग्वेज इन जनरल लैंग्वेज तो अब हम देखते हैं कैपेसिटी ऑफ शू में आगे क्या होता है मतलब कैपेसिटी ऑफ शू में सबसे पहले हमारी होनी चाहिए दो मेन पार्टीज प्लेटिव और डिफेंडेंट प्लेंटिव और डिफेंडेंट से हमारा मतलब क्या है वैसे तो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ा है कि इन दोनों का मतलब होता क्या है लेकिन दोबारा हम जान लेते हैं तो प्लेटिव से हमारा मतलब क्या हुआ कि मतलब जिसका राइट right इन्फ्लुस हुआ है और डिफेंडेंट मतलब जिसने उसका राइट right इन्फ्लुएंस करा है यहाँ पे प्लेटिव क्या पार्टीज लीगल राइट इन्फ्लुस और डिफेंडेंट पर्सन द इन्फ्लुसिव लीगल राइट द वन हु इज सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ

तो आपके लिए कोई डिफेंडेंट कोई पर्सन होना तो चाहिए अगेंस्ट में या कोई प्लेटिव होना तो चाहिए मतलब प्लेटिव जब कोई केस फाइल करना चाहता है तो उसका कोई डिफेंडेंट भी तो होगा ऐसे किसी और के तो कर नहीं सकता तो ये चीज दो पार्टी होनी बहुत जरूरी होनी। अगर बहुत सारी पार्टीज हैं तो कोई बात नहीं लेकिन मिनिमम दो पार्टी जरूर होनी चाहिए एक प्लेटिव जो केस डाल रहा है और डिफेंडेंट मतलब जो डिफेंड करेगा उस केस को

तो स्टेट उन चीजों के लिए लाइबल होगी या नहीं होगी सबसे पहले हम इस चीज का जानते हैं मतलब जो एक जो, जो एक्ट करेगी वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही होना चाहिए ये मेनशियल है तीन स्टेट के जो मैंने के अंदर लिखी है मेरी एंड एक्ट शेल बी इंजूरियस डैमेज और वोलेशन मतलब की जो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट करे ऐसा वो या तो इंजूरियस होना चाहिए मतलब उस इंजूरियस से मतलब हमारे क्या यहाँ यहाँ पे दूसरे बंदे को उससे डैमेज होना चाहिए या उसका लीगल राइट इन्फ्रेंस होना चाहिए तब तो वो एक एक्ट एंड एक्ट में भी प्रीवियसली सैंक्शन रेक्टिफाइड बाय द स्टेट और मतलब कि कोई ऐसा एक्ट जो प्रीवियसली सेंशन हो और रेक्टिफाइड बाय द स्टेट हो मतलब कि जैसे एक स्टेट एक एक्ट बना दे मतलब एक जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव था उसने एक ऐसा एक्ट कर दिया जिससे को डैमेज हुए, या मेरा लीगल हुआ, तो हम केस स्टेट के ऊपर भी फाइल कर सकते हैं वरना देखा जाए जैसे हम सोचते हैं कि हम हम स्टेट के ऊपर केस तो ना फाइल कर पाएंगे लेकिन यहां पे स्टेट को एक पर्सन की तरह लिया जाएगा ये है मेन इसेंशियल स्टेट एक्ट ऑफ द स्टेट के

बहुत ज्यादा उनका नुकसान हो रहा हो तो स्टेट का मतलब स्टेट के पास पावर है कि वो मेरे ऊपर सूट फाइल कर सकती है तो अब हम देखते हैं कैपेसिटी टू बी सूट मतलब कि अब हम कहा का हमारी क्या कैपेसिटी है कि हम गवर्नमेंट को कहाँ सूट फाइल कर सकते हैं और कहा नहीं कर सकते तो कैन नॉट बी सूट फॉर सॉवरेंट फंक्शन हम गवर्नमेंट को सॉवरन फंक्शन के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते और वहीं देखें तो हम कैन बी सूट फॉर नॉन सॉवरेंट फंक्शन और गवर्नमेंट को हम नॉन सॉवरेंट फंक्शन के लिए सूट कर सकते हैं ये सॉवरेंट फंक्शन और नॉन सॉवरेंट फंक्शन क्या है कर रही है तो हम गवर्नमेंट को सूट फाइल नहीं कर सकते जिससे हमारा अगर बाई चांस कोई अगर बाई चांस हमें नुकसान हो भी जाता है स्टेट की तरह से तब भी हम गवर्नमेंट के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते अगर गवर्नमेंट ऐसे फंक्शन कर रही है लेकिन अगर अगर हम देखें गवर्नमेंट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पाथ और टू डू ट्रेड ऐसे कुछ फंक्शंस कर रहे हैं, तब हम गवर्नमेंट को गवर्नमेंट uh, के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं अगर वहां पे गवर्नमेंट कोई टॉट कमिट कर देती है तब तो ये था हमारा एक्ट ऑफ द स्टेट तो अब हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन के बारे में कॉर्पोरेशन से हमारा मतलब क्या है वैसे तो कॉर्पोरेशन कोई पर्सन uh, तो है नहीं ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है आर्टिफिशियल कह लो या लीगल पर्सन कह लो दोनों एज एज एश के ऊपर है

कोई भी कंपनी है कोई भी कॉर्पोरेशन है तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे तो उसके पास पूरा पूरा राइट right है कि वो हमारे ऊपर सूट फाइल कर सकती है द कंपनी इज कैपेबल टू सूट फॉर इट्स डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टिंग इट्स प्रॉपर्टी थर्ड पॉइंट कंपनी कॉर्पोरेशन कैन नॉट सू फॉर द पर्सनल इंजरीज एज बिकॉज ऑफ इट्स नेचर और मतलब जो कंपनी है और जो कॉर्पोरेशन है वो सू पर्सनल इंजरीज के लिए फाइल नहीं कर सकती जैसे अगर कंपनी को या कॉर्पोरेशन को कोई अपनी पर्सनल इंजरीज हो जाती है

है कंपनी के सारे के सारे ऑप्शन की मतलब एक कंपनी और कॉर्पोरेशन कैसे सूट फाइल कर सकती है कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन कैपेसिटी टू बी हाउ यू कैन अ कंपनी और मतलब कि अब हम देखते हैं कि हम हम कंपनी के ऊपर कैसे केस फाइल कर सकते हैं और कॉर्पोरेशन के ऊपर हम कैसे केस फाइल कर सकते हैं फर्स्ट कैन बी सूड इन द नेम ऑफ इट्स एजेंट डायरेक्टर एंड मैनेजर मतलब हम डायरेक्ट तो कॉर्पोरेशन को कर नहीं सकते भाई कॉर्पोरेशन पर्सन तोड़ना है हम उनके या तो एजेंट्स को करेंगे उनके मैनेजर्स को करेंगे उनके डायरेक्टर्स को करेंगे सूट फाइल

और तुम्हारा कोई मेल जोल नहीं होगा इस चीज में हम कंपनी को सूट फाइल नहीं कर सकते ये हुआ उसकी आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्योंकि उसकी एम्प्लॉयमेंट क्या थी साली सिर्फ पॉलिसी बेचना सारी की सारी अपनी लेकिन अगर वो पॉलिसी बेचने के अलावा तुम्हारे कुछ और तुम्हें इंजरी कर जाता है अगर उस दौरान करके जाता है तो तुम कंपनी को कर सकते हो ज्यादा तो वो पॉलिसी बेचने आया और तो तुम्हें मार गया लेकिन आया तो पॉलिसी बेचने था तब भी वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच में आए लेकिन अगर बायचानस बाय वे बाद में आता है तुम्हारे पास किसी भी रीजन से तुम्हारा उससे कोई रिलेशन बन जाता है कुछ भी हो जाता है अल्ट्रवाइ हमारा यहाँ पे क्या मतलब समझ आ रहा है मतलब कि जो कुछ ऐसे होने मतलब कि जैसे मैं अपनी कोई कंपनी खोल रहा हूँ तो उसके अंदर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा कंपनी खोलने का मेरे कुछ रूल्स होंगे कुछ रेगुलेशन होंगे अपने एम्प्लॉज के लिए अपने एजेंट्स के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए और भाई अल्ट्रावाइज देखें मतलब की जैसी हमने भाई इंट्रावाइज में तो ये चीजें सेट कर ली कि हम ये चीजें करेंगे ये चीजें सारी करनी है हमें और अल्ट्रावाइज में भाई जो चीजें मेंशन ही नहीं है लेकिन वो फिर भी हो जाती हैं तो हम उस चीज के लिए कंपनी को तो तलाइवेल कर सकते हैं ना जैसे वर्क शुड बी डन अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेशन मतलब की जैसे कोई काम है कोई कॉर्पोरेशन कौर, तभी चलेगी जब उसके अंदर सब चीजें पास होंगी सब कोई बिल वगैरह जो भी उन्होंने करना है वो सब पहले पास होगा एम्प्लॉइज के द्वारा फिर उनके एजेंट फिर उनके डायरेक्टर्स के द्वारा तभी वो सारा वर्क होगा लेकिन अगर कोई ऐसा वर्क कर देते हैं कॉर्पोरेशन जो मतलब उनकी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में नहीं होता objective से हमारा मतलब मतलब ये है कि वो पास तो होगा कॉर्पोरेशन के द्वारा ही लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव मतलब उनका एम वो चीज नहीं होती करने की लेकिन कुछ इलिगल चीजों कर देते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है मेरे घर के सामने तुम एक कॉर्पोरेशन आके सोचो एमसीडी आके बिल्डिंग खड़ी कर देती है इनलीगल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन का काम थोड़ना इलीगल बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ी करना है एमसीडी का काम इलीगल बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ी करना थोड़ना है लेकिन उनके मतलब जो वर्कर्स है वो सब फिर भी खड़े कर जाते हैं बिल्डिंग uh, एक मेरे घर के आगे इलिगल तो मैं उनके ऊपर केस फाइल करता हूँ तो भैया कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो ये था कि उनको लीगल काम करना है लेकिन यहाँ पे उनके वर्कर्स और उनके जो एम्प्लॉयज है सारा वो इलीगल काम कर गए तो इसके ऊपर हम कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर हम कॉर्पोरेशन के ऊपर केस कर सकते हैं यहीं पे एक अगर हम केस पढ़ते हैं मतलब थी से एक इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था कैंबल के घर के सामने एक फ्यूनल प्रदर्शन के सामने मतलब कि एक इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया तो उस चक्कर में क्या हुआ कैम्बल का लॉस हो भैया क्योंकि जो लोग आते उसको घर से देखते मतलब उसकी जगह से देखते फ्यूनर प्रदर्शन तो उसको बेनिफिट होता उसको मनी मिलती उससे तो उन्होंने इसने अपना जो हमारे डैमेजेस क्लेम करने के लिए कॉर्पोरेशन के ऊपर सूट फाइल करा तो भैया कोर्ट में मेन इस चीज का सूट फाइल हुआ कि मतलब जो कॉर्पोरेशन थी वो अपने इंटरवाइस अल्ट्रावाइस के ऊपर भी हम इनके ऊपर केस कर सकते हैं इंटरवाइस अल्ट्रावास मतलब यहाँ पे हमारा इससे क्या रिलेटेड हुआ मतलब की भैया इनका मेमोरेंडम क्या था इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि मतलब वो अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर काम करे कॉर्पोरेशन शुड बी डन अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेशन मतलब कि जो उनका एम है वो उस चीज के अंदर काम करे लेकिन जो इन्होंने इन स्ट्रक्चर खड़ा करा वो तो ऑब्जेक्टिव से बाहर करा तो हम उनके अल्ट्रावास के ऊपर भी हम कॉर्पोरेशन के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट ने ये कहा तो मतलब हमारे को इंट्रावायस अल्ट्रावायस देखने की जरूरत नहीं है अगर कॉर्पोरेशन ने कोई चीज इलीगल गलत करी है तो हम उनके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं ये होता है हमारा पूरा कॉर्पोरेशन आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे और थैंक यू सो मच इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन नोट्स चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो थैंक यू